Khemnani, your Hindi teacher. In last video, we have completed explanation of one kavita, Ek Jagat, Ek Lok. मैं आपको exercise start करने से पहले एक बार revision करवाना चाहती हूँ. सबसे first paragraph जो हमारा था, एक चंद्र, एक सूर्य, एक भूमि आसमान, यह है एक मानव लोक संसार. यहाँ पर इस जगत में, जगत का अर्थ होता है संसार, दुनिया. इस दुनिया में हम सब रह रहे हैं. हमारे पास इस जगत का एक ही चंद्र है, एक ही सूर्य, एक ही भूमि, भूमि का अर्थ होता है धरती जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, और एक ही आसमान है जिसके नीचे हम लोग हमारा जीवन पसार करते हैं. चंद्र सबको एक जैसी ही चांदनी देता है, सूर्य सबको एक जैसा ही प्रकाश देता है. कभी भी चंद्र, सूर्य, भूमि, आसमान किसी ने कभी भेदभाव नहीं किया है. वैसे ही हमारा जो शरीर है वो एक ही तरीके की हड्डियों से बना हुआ है. हमारे रगों में जो खून है, रक्त है, वो भी एक जैसा ही, सबका रंग लाल है, सबके रक्त का रंग लाल है. अब जो सेकंड पैराग्राफ में था, हर्ष भरे हम गाए गीत सुहाने, समता ममता के राग सुहाने, इसका मतलब क्या है कि हम इस जगत में रहकर समता और ममता का व्यवहार करें. समता का अर्थ होता है सबके साथ समानता का व्यवहार करना, और ममता का अर्थ होता है कि हम सबके साथ आदर सत्कार का व्यवहार करें, प्रेम का व्यवहार करें, फिर भले ही वो हमारे धर्म का हो या ना हो. तो यहाँ पर हमारे जो सेकंड पैराग्राफ में हमें कहा गया है, समता और ममता के गीत गाने हैं हर घर में दिन रात, निष्दिन. निष्दिन का अर्थ है दिन और रात यही गीत गाने चाहिए. लास्ट पैराग्राफ में क्या था, राष्ट्रों में एक ही यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय और मानवता धर्म हमारा. इस पैराग्राफ में हमें कवि क्या समझाना चाहते हैं कि हम राष्ट्र में रह रहे हैं तो हमें एकता के साथ रहना है. एकता का अर्थ होता है यूनिटी, सबके साथ मिलजुल कर हमें देश को प्रगति की लेवल पर लाना है. प्रगति का अर्थ होता है प्रोग्रेस करना, उन्नति करना, हमारे देश को आगे बढ़ाना. वैसे ही हम लोगों को हमारे राष्ट्र में एकता के साथ रहना है, राष्ट्र की प्रगति करनी है और सबके साथ मानवता का व्यवहार करना है. ये कविता मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ. अभी हमने जो रिविजन कम्प्लीट किया, इस आधार पर हम अब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. सबसे पहला टॉपिक है सही विकल्प चुनकर लिखिए, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है. इसमें एक क्वेश्चन के साथ आपके पास तीन या चार विकल्प होंगे जिसमें से सिर्फ एक ही विकल्प सही होगा. तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते क्या है. हम सबका जीवन डैश की कहानी है. हम सबका जीवन डैश की कहानी है. आपने फर्स्ट पैराग्राफ में देखा होगा क्या लिखा हुआ है, हम सबका जीवन सुख दुख की कहानी है. तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, ऊंच नीच, सुख दुख, अमीर गरीब, तो हमारा उत्तर क्या आएगा, सुख दुख. हम सबका जीवन सुख दुख की कहानी है. नेक्स्ट, हमारा राग कैसा होना चाहिए. जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया, हमारा राग सुहाना होना चाहिए. सुहाना का हम प्रॉपर अर्थ समझे तो सुहाना का अर्थ होता है कि समता और ममता के मीठे गीत, आनंद भरे गीत हमें गाने हैं. नेक्स्ट, देश ही हमारा सच्चा धर्म है. जैसे मैंने आपको थर्ड पैराग्राफ में बताया, राष्ट्रों में एके यही धर्म हमारा. एके का दूसरा समानार्थी वर्ड होता है एकता से चलना. एकता का अर्थ है यूनिटी. तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, देश ही हमारा सच्चा धर्म है, तो क्या उत्तर आएगा, हमारा एकता. और दूसरा जो इसमें वर्ड यूज किया गया है, मानवता. हमें सबके साथ मानवता का व्यवहार करना चाहिए. एकता हमारा कर्म है और हमारा धर्म क्या है, मानवता. तो यहाँ पर मेरा उत्तर क्या आएगा, मानवता. सबसे पहले एक बार फिर से रिवीज करते हैं, हम सबका जीवन देश की कहानी है, तो क्या उत्तर होगा, सुख दुख की कहानी है. हमारा राग कैसा होना चाहिए, सुहाना. नेक्स्ट, डैश ही हमारा सच्चा धर्म है, मानवता. अगर मैं आपसे यहाँ पर उल्टा क्वेश्चन पूछूं, डैश ही हमारा सच्चा कर्म है, तो कर्म के लिए आप क्या लिखोगे, एकता. वहां पर आपका उत्तर क्या आएगा, एकता. लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, डैश ही हमारा सच्चा धर्म है, तो धर्म में क्या उत्तर आएगा, मानवता. समझ में आ गया सबको. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. मैं आपको सबसे पहले एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो फिल्म लाइन्स हैं वो आपकी कविता की लाइन्स हैं. अगर आप कविता की लाइन्स प्रॉपरली पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये फिल्म लाइन्स के आंसर आपको कैसे देने हैं. बिकॉज ये लाइन्स हैं कविता की जिसमें आगे ब्लैंक छोड़ा हुआ है और आपको वो ब्लैंक कंप्लीट करना है. डैश है सुख दुख की एक कहानी. मैंने आपको लाइन पढ़ के बताई थी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी. तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या आएगा, जीवन. जीवन है सुख दुख की एक कहानी. आगे,
हर्ष भरे गाएं हम देश सुहाने, यहाँ पर क्या वर्ड था? राग। हर्ष भरे गाएं हम राग सुहाने। राष्ट्रों में देश यही कर्म हमारा, जो मैंने आपको कर्म वाला क्वेश्चन यहाँ पर समझाया था कि अगर कर्म का क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारा कर्म क्या है? एकता। और हमारा धर्म क्या है? मानवता। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, राष्ट्रों में देश यही कर्म हमारा, तो कर्म में क्या आंसर आएगा? एकता। हिल मिल के लहराए देश का निशान, यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में आपके पास एक लाइन होगी, हिल मिल कर लहराए विश्व शांति का निशान, तो यहाँ पर क्या उत्तर आएगा? विश्व शांति। हम सबके खून का देश एक जैसा है, फर्स्ट पैराग्राफ में ये लाइन थी, हम सबके रक्त का खून का एक जैसा रंग है, क्या रंग है? लाल रंग है। तो हमारी जो ये कविता की लाइन है, हम सबके खून का देश एक जैसा है, तो यहाँ पर उत्तर आएगा रंग, हम सबके खून का रंग एक जैसा है। एक बार रिपीट करते हैं, देश है सुख दुख की एक कहानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, हर्ष भरे गाएं हम राग सुहाने, राष्ट्रों में एके यही कर्म हमारा, यहाँ पर हम लोग वर्ड एके लिख सकते हैं क्योंकि वो हमारी कविता की लाइन के हिसाब से है, अगर आप एकता लिखते हैं तो भी आपका उत्तर सही होगा। हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, हम सबके खून का देश एक जैसा है रंग। स्टूडेंट्स, अभी आपने जैसे देखा कि हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कविता के आधार पर यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, आपको उनके आंसर्स सॉल्व करने हैं। पहले मैं आपको इनके आंसर्स एक बार समझा देती हूँ। हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है, ये हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जीवन है एक सुख दुख की कहानी। तो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जीवन क्या है, तो उत्तर आएगा हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम कैसे तराने गाएंगे? जैसे कि सेकंड पैराग्राफ में आपने सुना होगा, हम हर्ष भरे समता और ममता की तराने गाएंगे, तो यहाँ पर हमें प्रॉपरली आंसर बनाकर लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? हम मानव जाति के समता और ममता के गीत तराने गाएंगे। मैं आपको आंसर फिर से रिपीट करवा रही हूँ, हम समता और ममता के मानव जाति के गीत तराने गाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा कर्म क्या है? ये क्वेश्चन का आंसर आपको कविता के थर्ड पैराग्राफ में मिलेगा, जो हमारा थर्ड पैराग्राफ में, उसमें सबसे पहली लाइन यही है कि राष्ट्रों के विश्व में एक यही धर्म हमारा कर्म हमारा। तो यहाँ पर जो वर्ड है, हमारा कर्म क्या है, तो जो फर्स्ट लाइन है, राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, एक का अर्थ होता है एकता रखना, एक का क्या अर्थ होता है? एकता रखना। तो जब आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, तब आप हमारा कर्म क्या है, तो आंसर लिखेंगे हम, हमारा कर्म है कि हम विश्व के सारे राष्ट्रों में एकता बनाकर रखें। इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं? अब आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रकृति के कौन से तत्वों की बात की गई है इस कविता में, तो जो हमारा सबसे पहला पैराग्राफ है कविता का, उसमें ही बात की गई है, एक ही चंद्र, एक ही सूर्य, एक भूमि, एक आसमान, एक ही हवा और एक ही पानी है जिसके आधार पर हम लोग हमारा जीवन गुजार रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर जो पांच तत्वों की बात की गई है, प्रकृति के तत्व कौन से हैं, मैं आपको एक बार पूरा आंसर अच्छे से बता रही हूँ। इस काव्य में प्रकृति के तत्वों की बात की गई है, वे हैं चंद्रमा, सूर्य, भूमि यानी पृथ्वी, आसमान यानी आकाश, उसके बाद हवा और पानी, ये प्रकृति के तत्वों की बात इस काव्य में की गई है। अभी हमने एक एक वाक्य के उत्तर कंप्लीट किए, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दो तीन वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर लिखो। अब इन क्वेश्चंस में आपको ब्रीफली आंसर लिखने हैं, इट मीन्स आपने पोएम अच्छे से समझी है, तो उसके बाद आप इसके आंसर्स ब्रीफली लिख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक रक्त का अर्थ समझाइए। सबसे पहले तो रक्त का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, तो शब्दार्थ में मैंने आपको ऑलरेडी लिखवाया है, रक्त का मतलब होता है लहू, खून, जो हमारे बॉडी में होता है, जैसे इंग्लिश वर्ड बोल सकते हैं उसका ब्लड। एक रक्त का अर्थ समझाइए, हमारे पास एक लाइन यूज की गई है इस कविता में कि एक ही रक्त और एक ही अस्थि और एक ही प्राण, तो यहाँ पर रक्त का अर्थ है कि हम किसी भी धर्म या जाति के हों, हम विश्व के किसी भी सिटी में रह रहे हो या हम कोई भी धर्म फॉलो कर रहे हो,
किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, सबका रक्त का रंग एक जैसा ही लाल होता है। तो हमें कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह संसार सबके लिए एक जैसा ही है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी जाति, धर्म या किसी भी विश्व के लोगों के साथ भेदभाव नहीं है। सारे लोग भीतर से तो एक जैसे ही हैं। हमारा रूप रंग भले ही भिन्न हो, भिन्न का अर्थ है अलग अलग होना, डिफरेंट। हमारा रूप रंग भले ही भिन्न है, लेकिन भीतर से, अंदर से हम लोग सब एक जैसे ही हैं। हमारी बॉडी एक जैसी ही हड्डियों से बनी हुई है, और हमारी शरीर में जो खून, जो रक्त है, वह भी सबका एक जैसा लाल रंग का होता है। तो एक रक्त का अर्थ समझाइए, इसका क्वेश्चन हम ऐसे लिख सकते हैं, आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन, किसी भी धर्म या जाति का हो, किसी अन्य विश्व का हो, किसी अन्य राष्ट्र का हो, लेकिन उसके बॉडी में, जो उसके शरीर में जो रक्त चल रहा है, जो रक्त है, वो एक ही है, लाल रंग। हम भले ही रूप में, रंग रूप में भिन्न है, लेकिन हमारा अंदर का रंग, रक्त का रंग भीतर से एक जैसा ही है, जो लाल रंग है। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा धर्म क्या होना चाहिए। इसका आंसर जब आप कविता का थर्ड पैराग्राफ रीड करेंगे, तो उसमें जो बोला गया है, राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। तो जो सेकंड लाइन है, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, इस लाइन से हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। प्रगति का अर्थ होता है प्रोग्रेस करना, उन्नति करना। हमें हमारे देश को, हमारे विश्व को कैसे आगे बढ़ाना है, वह हमारा धर्म है। उसके बाद का वर्ड है न्याय। सबको न्याय मिलना चाहिए, फिर वो पर्सन, फिर वो इंसान किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी अन्य विश्व का हो, उसे न्याय मिलना चाहिए। जो थर्ड वर्ड यूज किया गया है वो है मानवता। मानवता का अर्थ यहाँ पर हम क्या समझ सकते हैं, मानवता का अर्थ यह है कि हम सबके साथ समता और ममता का व्यवहार करें। इट मीन सबके साथ आदर सत्कार से बात करें और सबके साथ प्रेम का व्यवहार करें। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, हमारा धर्म क्या होना चाहिए। हमारा धर्म यही होना चाहिए कि हम विश्व की प्रगति पर ध्यान दें, सबको न्याय मिले, यही हमारा धर्म होना चाहिए, और सारे लोगों के साथ हम न्याय, मानवता का व्यवहार करते रहे। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट, हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। ये लाइन आपने देखी होगी कविता के फर्स्ट पैराग्राफ में, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। ये मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी करवा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर हमें डिटेल में आंसर करना है। कैसे लिख सकते हैं, हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। हर इंसान के जीवन में सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं। कभी ना कभी इंसान को अपने जीवन में दुखों को भी देखना पड़ता है। किसी भी इंसान का जीवन कभी भी पूरा सुखी भी नहीं हो सकता, और कभी वो जीवन दुखी भी नहीं हो सकता। हम सुख और दुख को अगर हमारे जीवन के दो पहियों के समझ कर चलाएंगे, तो हम अपना जीवन अच्छे से गुजार सकते हैं। सुख और दुख दोनों ही हमारे जीवन में एक जैसे ही क्षमता रखते हैं। जीवन में सुख आए या दुख आए, हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। यही हमें इस लाइन में समझाया जा रहा है, हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। जीवन में सुख और दुख दोनों एक साथ आते ही रहेंगे। किसी भी इंसान का जीवन न कभी पूरा दुखी हो सकता है, न कभी पूरी तरीके से सुखी हो सकता है। सुख और दुख दोनों हमारे जीवन में एक साथ चलते ही रहते हैं। हमें बस उनको फेस करके और हमारे जीवन को आगे अच्छे से गुजारना है। ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन थे जो मैंने आपको समझाए। एक रक्त का अर्थ समझाइए, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। देन हमारा धर्म क्या होना चाहिए, प्रगति, न्याय और मानवता। हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है, इसका आंसर मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी समझा चुकी हूँ कि सुख और दुख हमारे जीवन के दो पहिए हैं, जिसके साथ हमें हमारा जीवन गुजारना है। यहाँ पर हमने शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स, ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए। और जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कविता एक्सप्लेन की थी, उसमें शब्दार्थ भी थे। अब आई रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स टू सी द वीडियो फर्स्ट, दैट इज एक्सप्लेन द कविता, जो आपको मैंने पोएम एक्सप्लेन की है उसका वीडियो आपको अच्छे से देखना है। देन दिस वीडियो इज फॉर द एक्सरसाइज टॉपिक ऑफ पोएम। ये आंसर्स आपको वर्कबुक में लिखने हैं, बट विथ पेंसिल, डोंट यूज पेन टू राइट इन वर्कबुक। एम आई क्लियर नाउ? इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।